अल्लाह मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह अपने अपनी अपनी लाइफ भरपूर तरीके से इन्जॉय कर रहे होंगे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी अपने एंड तक देख रहे हैं इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे ठीक है तो चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं सबसे तो पहले मैंने ले लिया है वन फो कप मैंने लिया है ऑयल वन फोर्थ कप बनते हैं टू टेबल स्पून भर भर के ठीक है ये देखा वन फोर्थ ऊपर लिखा हुआ है यानी पचास एम एल तो ये टू टेबल स्पून भर भर के बनेंगे आप जो जिसका हम चावल खाते हैं जिन चम्मच के साथ वो भर भर के जब डालेंगे ना ऑयल के दो अच्छे खासे मुँह से भर भर के तो फिर वो बनेगा वन फोर्थ कप ये मैंने ले ली है चीनी ये चीनी मैंने ली है पिसी हुई और ये है आधा कप ठीक है अब हमने ऑयल में ऐड कर दी है चीनी और इसके अंदर ऐड करने वाले हैं हम दो अंडे और इनको हमने अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है फिर बीट कर लेना है रेसिपी को एंड तक देखें और इन आप इसको घर में ट्राई करेंगे इसके साथ आप तीन तीन रेसिपीज़ के मज़े लेंगे एक क्या चॉकलेट केक दूसरा क्या कोकोनट चॉकलेट केक तीसरा क्या स्पॉन्च केक चाहे तो चॉकलेट के साथ एंजॉय करें चाहे तो कोकोनट के साथ एंजॉय करें और चाहे तो आप सिंपली चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं चलें जी इसको मिक्स करेंगे अच्छे से इसमें हम डाल देंगे दोनों अंडे अंडे दोनों चेक किए हुए पहले से कि ख़राब नहीं है ठीक है और साथ में मैंने ले लिया है एक कप मैदा और वनीला एसन वनीला एसन कहीं से मिल जाता है बेकिंग पाउडर तो ज़ाहरा होता ही होता है और ये कहीं से मिल जाता है पाकिस्तान में भी किसी भी शॉप से मिल जाता है ईसी मिल जाता है और ये बीस तीस रुपये की मेरे ख्याल में ये होगी ये वाली एक शीशी क्योंकि यहाँ पे इतने की बनती है एक रुपये की है शायद वन हंड्रेड फिल्स की है यहाँ पर जो फिल्स है ना उसकी है वन फील्स जो है वो बत्तीस तो तैंतीस रुपये बनते हैं तो उतनी की है तो ये मैंने डाल दी इसमें अंडे इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ठीक है आपको इनको बहुत अच्छे से बीट करना है ऐसे मिक्स करने के बाद मैंने इसको कर लेना है बीट beat, बीटर से इस तरह से अच्छे तरीके से मैंने इसको बीट कर लिया था अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप वैसे ही जो विस्क होता, होता है ना ये जो बीटर होता है हैंड बीटर जो होता है उसको लेके ना अच्छी तरह से जब मिक्स करेंगे सात आठ मिनट के बाद ये अच्छे से क्योंकि मैंने इसके बगैर भी बीट करके देखा हुआ है ये हो जाता है मुलायम यानी इस बीटर के बगैर भी इलेक्ट्रिकल बीटर के बगैर भी आप हाथ इसको बीट कर सकते हैं अंडे हमारे अच्छे से बीट हो गए हैं अंडे चीनी और ऑयल अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं मैदा और मैदे के लिए मैंने एक छलनी ले ली है छलनी ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा केक जो अच्छे से फूलेगा अंदर कोई लम्स वगैरह नहीं रह जाएंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगा इसको हम छान लेंगे इसमें मैं ऐड करूँगी वन टी स्पून एंड अगेन वन टी स्पून बेकिंग पाउडर ठीक है यहाँ पर हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करना है इसको अच्छे से छान के मैं फिर से इसको मिक्स करूँगी लेकिन जब मैं इसको छानूँगी इसके अंदर तो मैंने इसको हाथ के साथ मिक्स करना है हमने बीटर यूज़ नहीं करना है ठीक है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना इसको बड़े आराम से बड़े तरीके से बड़ी मोहब्बत के साथ यूँ यूँ यू यूँ करके करना है मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है ठीक है चलें जी मैदा मैंने छान लिया है इसको मैं मिक्स करूँगी चम्मच की मदद से इस तरह करके ना पहले आराम आराम से एक ही डायरेक्शन में यानी नहीं कभी इस तरह को हाथ कभी उधर को हाथ एक ही तरफ को हमने मिक्स करना है ठीक है इस बात का भी ख्याल करना पड़ेगा आपको इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर मैं इसमें ऐड करनी वो वनीला एसेंस और वनीला एसेंस मैं यूज़ यूज करूंगी वन टी स्पून जितना कि मैंने एक जो चम्मच होता चीज़ का हम चावल खाते हैं उससे आधा चम्मच ठीक है ये देखें ये आधा चम्मच बनता है वन टी स्पून और बेकिंग पाउडर मैंने टू टी स्पून यूज़ किया टू टी स्पून का मतलब है वन टेबल स्पून ठीक है जब हर भर, भर के टू टी स्पून एक एक टेबल स्पून में डालते हैं ना जिसका हम चावल खाते हैं तो वो वाला बनेगा टू टी स्पून ठीक है एक यानी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे साइडों से भी अच्छी तरह से और ये मुलायम सा हो जाए इस तरह से इसको मिक्स कर लेना ठीक है दूसरी तरफ मैंने देखचा रखा हुआ है प्री हीट करने के लिए मैंने देखचा इसलिए यूज़ किया है कि मैं कुकर यूज़ करती हुई थी पहले केक बनाने के लिए क्योंकि मैंने थोड़ा सा वो जो इसका जिसमें मैंने केक को बीट किया था मैंने वो बड़े वाला बर्तन ले लिया और उसके बाद मैंने देखा वो कुकर में आ नहीं रहा था इसलिए मैंने देखचा ले लिया अब हम इसको कर लेंगे ग्रीस ये मैंने ले लिया है केक बनाने के लिए बर्तन आप कोई से भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं आपके घर में कोई सा भी स्टील वगैरह का कोई बर्तन है तो उसको यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर मैं लगा मैं दूँगी बटर पेपर पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी उसको मिक्स करके नीचे लगा के अच्छी तरह से साइडों पर अच्छे से लगा के सिर्फ थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालने वाली हूँ उसके बाद मैं इसके ऊपर बटर पेपर लगा लूँगी ठीक है बस ये मैंने ऑयल लगाया इसको मैं अच्छी तरह साइडों पर लगा कर तमाम हिस्सों हिस्सों पर इस पर इसके लगा कर तरह से आप चाहे तो ब्रश वगैरह के साथ भी लगा सकते हैं मैं मैं यहाँ पर बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सादा जो कॉपी वगैरह का पेज होता है या अखबार वगैरह का तो मेरे ख्याल में नहीं लें क्योंकि उसमें थोड़ा प्रिंट सा होता है तो कॉपी वगैरह का सादा पेज लेके भी इसके ऊपर लगा सकते हैं ठीक है मैंने वो भी यूज़ करके देखा हुआ है उसमें भी कोई इशू नहीं होता अब इसमें हम डाल देंगे बैटर जो कि हमने तैयार करके रखा हुआ है देख चाह मैंने पहले से प्री हीट कर लिया इस बात का ख्याल रखें ठीक है कुकर uh, मैंने बताया कुकर में ज़्यादा अच्छा वैसे जल्दी बन जाता है मुझे काफ़ी टाइम लग गया था देखचे की वजह से क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था देखचा और ज़ाहिर है फिर जितना बड़ा है उतनी भाप कम जाएगी तो मुझे तकरीबन तो एक घंटा लग गया था अगर मैं कुकर में बनाती हूँ तो मुझे पच्चीस मिनट लगते होते हैं तो एक घंटा इस वजह से भी लगा कि मैंने उसको दरियान से खोल दिया था मैंने पच्चीस मिनट बाद उसको खोल दिया मेरे ख्याल में था ये बीट सॉरी बेक हो चुका होगा लेकिन जब मैंने खोला तो वो बेक नहीं हुआ था मैं आ, मैं आपको आगे जाके वीडियो में शो करूँगी तो ये मुझसे गलती हो गई थी छोटी सी कि मैंने ये बर्तन इस तरह का ले लिया कि कुकर में पूरा नहीं आया तो अगर आप कुकर में बेक कर रहे हैं तो आपका इंशाल्लाह शाला पच्चीस मिनट में अच्छे से बेक हो जाएगा ठीक है कुकर में भी बेक करने का यही तरीका किस तरह से आप डाल के बैठ किसी बर्तन में कुकर के नीचे कोई छोटा सा स्पेस रखें जैसे कोई ढक्कन या कोई चूल्हे का स्टैंड वगैरह या आपके पास वैसे कोई स्टैंड है छोटा सा ऊंचाई उं वाला या कोई पत्थर रख दें तीन तीन तीन, तीन पत्थर रख दें नीचे ठीक है ये जो कुकर की जो पेतली होती है ना नीचे उसके उसके ऊपर तीन पत्थर रख के ताकि वो थोड़ा सा फ़ासला रह जाए बर्तन का और कुकर की जो जो नीचे तनाव क्या कहते हैं उसको नीचे वाला जो होता है उसका जो है और बर्तन का जो है वो थोड़ा फासला रह जाए मैं आपको शो करती हूँ अभी इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसकी जो है एयरब जो है इसके, इसके अंदर से निकल जाए और जी। जी चलते हैं कुछ शो करती और ये मैं पहुँच ये देखें ये मैंने अंदर स्टैंड रखा हुआ है तो आप अगर कुकर वगैरह यूज़ करें तो आपको भी इस तरह का स्टैंड इस तरह की स्पेस देखिए मैं बर्तन में रखना ज़रूरी है ठीक है इसको मैं ढाम दूँगी इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रखनी थी वो मैंने रख दी इसके ऊपर और बाद में थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि साइडों से इसकी जो है वो भाप निकल रही है तो मैंने इसके ऊपर आटा भी लगा दिया था जब मैं इसको खोलूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी क्योंकि मैंने कुकर में नहीं बनाया इसलिए मैंने आटा लगाया था अगर आप कोकर में बना रहे तो आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फिर वैसे ही उसकी जो भाप है वो वैसे ही अंदर कंट्रोल हो जाती है ये देखिए मैंने आटा लगाया हुआ था मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर मैंने 25 मिनट के बाद इसको खोल दिया था और मैंने कुकर के उसके क्योंकि पहले मैंने मैंने आपको बताया मैं कुकर में बनाती हूँ ओवन में बनाती हूँ तो मैंने उसी अंदाजे से खोल दिया लेकिन वो बेक नहीं हुआ था तो मैंने ये वाला क्लिप भी ऐड कर दिया ताकि आपके जहन में रखे अगर देख में बनाना तो आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा क्योंकि मैं फिफ्टी से फिफ्टी फाइव मिनट्स आपके मस्त लग जाएंगे ठीक है और क्योंकि ये काफ़ी बड़ा देखचा था मे बी आपका देखचा अगर छोटा ले रहे हैं तो फिर वो कम टाइम लगे लेकिन मेरे पास जो छोटा देखा था वो थोड़ा पतला था मुझे लगा कि इसमें जल जाएगा तो ये वाला थोड़ा भारी था इसलिए मैंने इसको यूज़ कर दिया मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये बेक नहीं हुआ था और मैंने फिर से इसको बंद कर दिया था और फिर से जब मैंने इसको बंद किया फिर चूँकि मेरा आटा ऊपर से उतर चुका था तो मैंने अंदर फिर कपड़ा रख दिया मैं काफ़ी मुश्किल में खैर पड़ गई थी सिर्फ इस वजह से कि मैंने एक बर्तन जो बगैर सोचे समझे उठा लिया और जब मैंने उसको दोबारा रखा तो वो कुकर में पूरा नहीं आया इस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल उठाई है तो आप लोग मत उठाइएगा इसलिए मैंने आपको बता दी है कि या तो उसको कुकर में ऐसा बर्तन ले जो कुकर में पूरा आ जाए वरना छोटा देख चलेंगे देखें जी बिल्कुल भी बेक नहीं हुआ था बिल्कुल भी तो खैर नहीं हुआ था काफ़ी ऊपर आ चुका था लेकिन अभी ये कच्चा बाकी था सो मैंने उसको दोबारा ढांप दिया यहाँ पर जो है मैंने मैंने इसको दोबारा खोला तकरीबन एक घंटे के बाद फिफ़्टी फाइव मिनट्स हो चुके थे यानी वो पूरा पिछले वाला वर्षा भी मिला के यहाँ मैंने कपड़ा दोबारा रख दिया था और ये देखें ज़बरदस्त बेक हुआ के एक बहुत ही मजेगा और कुकर से ज़्यादा अच्छा बेक हुआ वैसे टाइम तो उसने लिया लेकिन अच्छा बेक हुआ था तो साइड से तो थोड़ा सा ब्राउन हुआ था उसकी वजह ये थी कि मैंने साथ वाले चूल्हे भी रोटियाँ बना ली थी उसकी वजह से थोड़ी उधर से आँच आ गई आँच मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई थी आपको भी आखिरी नंबर पर अपनी आँच रखनी है जिसमें हम आखिरी नंबर जिसे कहते हैं ना वो वाला यहाँ पर मैंने इसके अंदर स्टिक ऐड की और बिल्कुल साफ़ नहीं करी मतलब ये अंदर से अच्छी तरह से बेक हो चुका है आपको भी इस तरह से चेक कर लेना है जब खोलेंगे तो आपको चेक करना इसको ठंडा रखने के लिए हम छोड़ देंगे उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना अगला काम चलें जी केक हमारा ठंडा हो गया है और अब हम इसको निकाल लेंगे इस पेपर के ऊपर आप किसी भी पेपर पे या शेल्फ़ अगर आपकी है काम उस पर करते हैं उसके ऊपर या किसी ट्रे वगैरह में निकाल सकते हैं इसका बटर पेपर हम रिमूव कर लेंगे और अगर आप यहाँ पर ये बात है कि अगर तो आप चाहते हैं कि सादा केक खाना ठीक है आगे आपके पास चीज़ें नहीं है या कुछ ऐसा मसला है होता है कि अक्सर बंदे के पास नहीं भी होती मेरे पास भी नहीं थी क्योंकि मैंने काफ़ी देर से बेकिंग नहीं की थी तो मेरे पास भी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी तो मैं भी लेकर आई थी तो उसके बाद रेसिपी स्पेशली ये चैनल जब से बनाया है तो मैं, मैं मीठा हम नहीं खा रहे लेकिन मैं बना रही हूँ साल्टी बाइट्स में मीठे भी बन रहे हैं तो चलें इसको हमने रिमूव कर लेना है इस तरह से ये देखा साइड से थोड़ा ब्राउन जो हो गया ना ये दूसरे चूल्हे से आंच आने की वजह से हो गया क्योंकि वहाँ से थोड़ी आंच इधर को आ रही थी लेकिन ये इनतहाई सॉफ्ट इतहाई स्पॉन्ची था मैं आपको भी चेक करवाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है तो आप तो चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से खाँ तो आप इसको इसी तरह से ठंडा करके पीसिस करके रख लें एक्सर इन्जॉय करें लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी लेमन टोन्स ठीक है ऑस्ट्रेलियन केक होता है तो ये देखें कितना सॉफ्ट है ये देखें देखें तो मैं आपको ऑस्ट्रेलियन केक सिखा रही हूं जिसका नाम है लेमेंगोन ठीक है अब हम शुरू करते हैं अपना लेमेंगोन यहां पर स्पॉन्ज केक था यहां पर हमारा ये बदलने जा रहा है लेमकटोन में ठीक है इस तरह करके हम इसके पीसेज काट लेंगे यू करके इस तरह से हमारे पीसेस जो हैं वो कट के यहाँ पर यह होता है जब हम लेमन लेमकोम लाने जा रहे हो तो हमें एक साथ एक ही तर्ज के पीसेस चाहिए होते लेकिन मैंने छोटे बड़े भी ले लिए थे यानी साइडों वाले नहीं यूज़ होते लेकिन मैंने यूज़ कर लिए घर ही तो खाने थे सो मैंने कहा क्यों मैं इसको ऐसे ज़ाया करूँ तो मैंने यूज़ कर ली और वो हमने खाए भी और वो ख़त्म भी हो गए सिर्फ दो पीस रह गए हैं कल हालांकि मैंने बनाया और ये दो पीस रह गए हैं और मैं सोच रही हूँ दोबारा से जल्दी से बनाऊंगी क्योंकि खाने के बाद मेरे घरों को मीठा चाहिए होता है ये थोड़ा सा लेते हैं लेकिन चाहिए होता है मैं नहीं इतने शौक से लेती लेकिन ये लोग लेते हैं तो थोड़ा बस थोड़ा सा एक दो चम्मच लेने होते तो एक एक पीस ले ले के हर खाने के बाद वो ख़त्म हो चुका था तो ये मैंने यहाँ पर चॉकलेट सॉस ले ली है तो अगर आपके पास ये चॉकलेट सॉस नहीं है तो आप इसको घर पर बना सकते हैं मैंने यहाँ पर बनी बनाई ले ली के बच्चे हैं और ज़्यादा जा, टाइम भी टाइम टेकिंग होती है या नहीं भी टाइम टेकिंग होती तो भी मेरे पास सहूलत थी मैंने इसको, इसको इस्तेमाल किया अगर आपके पास नहीं है तो आप कोको पाउडर लें ठीक है कोको पाउडर आप ले लें एक कप उसके अंदर आप ऐड करें एक कप चीनी और आप उसके अंदर ऐड करें तकरीबन थ्री टेबल स्पून बटर और उसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मेल्ट uh, करके उसको आप उसका चॉकलेट सॉस बना सकते हैं लेकिन इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह शाला से आपसे शेयर करूंगी तो ये मैंने यहाँ पर रख ली है अगर फिर भी अगर आपके पास वो नहीं ओका पाउडर नहीं है तो आप सिंपली कोई भी चॉकलेट लेकर जो कि uh, चॉकलेट बेस होती है वो लेके दुकान से uh, मुझे उसके अच्छे से नाम भी याद नहीं है वहाँ की चॉकलेट्स के लेकिन लेकर uh, बेस वाली चॉकलेट लेके कर आप उसको uh, गर्म पानी लेकर उसको चूल्हे पे रख के उसके अंदर एक और बर्तन रख के यानी भाप के ऊपर आप उसके अंदर रखें डालें वो चॉकलेट बेस और उसके अंदर डालें मक्खन एक एक चम्मच उसको मिक्स करते, जा, करते जा, जाए करते चारा और चॉकलेट सॉस बन जाएगी लेकिन मैं आपके साथ दोबारा से रेसिपी इसकी शेयर करूंगी ठीक है ये मैंने डेली है चॉकलेट सॉस और साथ में ये ले लिए हैं कोकोनट पाउडर यानी नारियल का पाउडर ये मैं दूसरी पहली में डाल के रख लूँगी ये और मैं आपको कि किस तरह हमें अब रेडी करना है अपना लेमको इंतहाई आसान इतहाई मज़े का और यकीन करें सीरियसली बहुत मज़े का आप ट्राई करके मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा इस तरह से हमने रखा कोको पाउडर ये कोको पाउडर चीनी नहीं है ठीक है तो अब हम लेंगे एक पीस केक का उसको हम डिप करेंगे चॉकलेट में इस तरह से हम लेके इसको अच्छे से डिप करके आप चाहें तो किसी चम्मच वगैरह से ग्लव चढ़ा के भी कर कर सकते हैं लेकिन मुझे चॉकलेट अच्छी लगती है तो मैं इसमें हाथ डुबो डुबो के फिर मुझे मज़ा आता है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अच्छी लगती है इस तरह करके इसको ऐसे अच्छे से यूं कर लेंगे ताकि चॉकलेट एक्स्ट्रा लगी ना रह जाए और उसके बाद हम इसको इस तरह से कोकोनट लगा दें इस तरह से हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोकोनट ऊपर टैक्स पड़िएगा इस तरह कोकोनट हम लगा लेंगे ठीक है और चलें जी हमने लगा ली कोकोनट और ये हमारा रेडी हो गया है ज़बरदस्त सा लेमन टून और टेस्ट बहुत मैं अभी दोबारा से जाके फिर से तो दो दो पीसेस रह गए सुबह तक एक रह जाएगा मेरी इतनी बुरी तरह इसकी वजह से डाइट खराब हुई है मैंने कल भी रात रात को उठ के खाया और आज भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके दोबारा से एक पीस उठा लूँ जब आपका दिल करिए उठाएं और बस मज़े मज़े उड़ाएं इसी आप घर वों को ट्राई करवाएँ बहुत तारीफ़ें करेंगे आपकी कि वाह भाई तुम तो शेफ़ बन गई हो मेरी भी तारीफ़ें की थी तारीफ़ वाला वो मैंने ऐड नहीं किया अच्छा मैं ऐड करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने किस तरह से वो आ, वो वरना नहीं लेते होते बे टाइम कोई भी चीज़ लेकिन वो फ़ौरन से आए उन्होंने ट्राई किया इनका ज़बरदस्त लेकिन खैर इस तरह से करके हम सारे पहले हमने चॉकलेट में डिप करना है फिर हमने नारियल में डिप करना है और हमारा रेडी हो जाएगा लेमेंग टून इसको हम कोकोनट बाइट भी कह सकते हैं कोकोनट चॉकलेट केक भी कह सकते हैं ठीक है इस तरह कर करके हमने सारा रेडी कर लेना है ये देखें और कितनी प्यारी शेप आ रही है मज़े की शेप मज़े का टेस्ट यहाँ पर मुझे याद आया कि मैंने तो इसको आ, शुगर स्प्रे तो किया नहीं तो फिर मैंने इसके ऊपर शुगर स्प्रे किया मुझे बहुत दुख भी हुआ इस बात का कि वो हो मुझसे मिस हो गया तो लेकिन आपको क्या करना है कि शुगर को पानी में अच्छी तरह से उसका आ, बना कर रखना है पानी में डिप करके अच्छी तरह मिक्स करके जो है वो आपको शुगर स्प्रे अपना रेडी करके रखना है ताकि आप वो केक के ऊपर कर सकें ताकि वो थोड़ा सा जूसी सा बन जाए लेकिन इस तरह जो जूसी था खैर आधे बेशक उसके बगैर बने लेकिन वो जूसी था लें जी लेमन टूस हमारे हो गए रेडी बहुत यमी बहुत मज़े के और उफ, बहुत 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 मजे के ठीक है आपको ट्राई करने में को काट कर दिखाती हूँ इतने सॉफ्ट थे इतने स्पॉन्जी थे सीरियसली बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी थे तो मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये कैसे बने थे आप लोग मेरे पास होते तो मैं आपको टेस्ट भी करवा के दिखाती ये देखें कितना स्पॉन्जी कितना सॉफ्ट है अपनी दुआ में याद रखें अपना और अपनी खबरों का ख्याल रखिए और मुझे फीडबैक दीजिए इसको ट्राई करें ज़रूर ट्राई करें बहुत मज़े का बनेगा और इन शाला चॉकलेट सॉस की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और मैं उसको जल्दी अपलोड करूँगी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ फ़ीमान अला हाफ़ टेक केयर